हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। इफ यू लाइक अवर कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो चलिए शुरू करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन का नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ से इससे पहले मैंने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दी है। आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन कहता है हमें सॉल्व द फॉलोइंग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है जिसका हमने सॉल्यूशन लिखना है। सो एज वी नो दैट गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, यहाँ से कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से इसको हम राइट आउट कर सकते हैं। g0x इंटू जी एक्स आ जाएगा यहाँ से, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स आएगा हमारे पास यहाँ से। सो नाउ वी अप्लाई बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो इनकेस अगर बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई करेंगे सो वैल्यू क्या आ जाएगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे जीरो एक्स राइट आउट किया जा सकता है इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ एक्स राइट आउट किया जा सकता है, इक्वल्स टू में आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अगर इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें, जे जीरो एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 1/√p² + 1 राइट आउट किया जा सकता है, इंटू जी एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो हम जी पी राइट आउट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² + 1 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जी ऑफ पी इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू आएगी √p² + 1 डिवाइडेड बाई आएगा p² + 1। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें सो जी ऑफ पी कैन बी रिटन एज हियर 1/√p² + 1 आ जाएगा। सो अगर हमने यहाँ से देखें, अब इनवर्स लाप्लास हमने अप्लाई करना है। सो अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ से देखेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ पी इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/√p² + 1 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, इससे पहले हमने जे जीरो एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखा था यहाँ से, ये अब यहाँ से 1/√p² + 1 का इनवर्स लाप्लास जो आएगा वो जे जीरो एक्स आ जाएगा। सो सिंपली अगर हम यहाँ से लिखें जी एक्स जी ऑफ पी का इनवर्स लाप्लास जी एक्स आएगा, विच इज इक्वल टू जे जीरो एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।